Dear students, myself Virinder Gupta, lecturer in education, Boys High Secondary School, Udhampur. Yesterday, आपके साथ बात हुई थी curriculum की. What do you mean by curriculum? तो आज मैं take up कर रहा हूँ importance of curriculum. तो प्यारे बच्चों, curriculum की importance क्या है? इसकी क्या अहमियत है? Number one, हम ये कहेंगे कि real life training. बच्चों को, आप लोगों को real life training सही में जिंदगी क्या है इसकी एक ट्रेनिंग मिलती है तो बच्चा बहुत सारी चीजें जो है स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखता है. नंबर टू, ओवरऑल डेवलपमेंट. जितनी भी आप कहेंगे बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है ओवरऑल, जिसमें उसमें हर किस्म का, जैसे मॉरली, स्पिरिचुअली, उसका हम कहेंगे सोशली, तो इस तरीके की जो एक डेवलपमेंट होती है तो उसको कहते हैं कि सिर्फ एकेडमिक साइड नहीं बच्चा आगे बढ़ता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ड्यू टू करिकुलम. नंबर थ्री, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन गोल्स. जो भी आपका गोल होगा वो आप उसको मतलब अटेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, करिकुलम जो है वो आपकी हेल्प करेगा. अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन गोल्स. नंबर फोर, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप. सिटीजनशिप मीन एक अच्छा शहरी बनने के लिए जो है वो करिकुलम एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. करिकुलम होगा तो ही आप एक अच्छा सिटीजन जो है बन सकते हैं, एक अच्छा शहरी बन सकते हैं. नंबर फाइव, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी, ह्यूमन वैल्यूज हैं, जैसे मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, देयर आर सो मेनी वैल्यूज जो एक इंसान के अंदर होती है, तो सारी वैल्यूज जो है ये भी स्कूल के अंदर डेवलप होती है. ठीक है. नेक्स्ट, सिक्स इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन मतलब टू एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना. जो नॉलेज जो है वो डेवलप होता है वो भी स्कूल के अंदर ही होता है, करिकुलम के जरिए होता है. अगर करिकुलम अच्छा करिकुलम होगा जिस इंस्टीट्यूशन का तो आपका नॉलेज ही अच्छा होगा. डिस्कवरीज ऑफ इन्वेंशंस. तो स्कूल के अंदर करिकुलम के अंदर क्या होता है, अगर अच्छा करिकुलम होगा तो मौका लगता है बच्चों को, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो होते हैं वो उसी स्टेज में क्या कर सकते हैं, कई बार कोई डिस्कवरी कर लेते हैं, कोई इन्वेंशन कर लेते हैं. तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि करिकुलम जो है वो उसको बच्चे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रदान करता है जिससे कि बच्चा उसका जो कैलिबर होता है उसको बाहर निकाले, जो उसका पोटेंशियल होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है. नंबर एट, एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन. तो करिकुलम जब भी होगा, अच्छा करिकुलम होगा तो आपको पता है करिकुलम अगर होगा तो बच्चे को एग्जाम देना होगा, उसको कैसे हम एवेल्युएट करेंगे. जैसे बोर्ड एग्जाम है आपका 12th का, तो आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर फिर हम जब बच्चे को देखते हैं वो कौन से सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ले रहा है तो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है. जो हमारे लेक्चरर लोग जो हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो उसको इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे का कितना पोटेंशियल है और उसका आईक्यू क्या है, उसका क्या लेवल है. जैसे कोई बच्चा पोजीशन लेता है, कोई डिस्टिंक्शन लेता है, और कोई बच्चा जो है फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में, तो उसको अपना लेवल जो है पता चलता है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम. तो नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है इस करिकुलम के अंदर वो है टाइप्स ऑफ करिकुलम. कल भी मैंने आपके साथ बात की थी कि करिकुलम की कितनी किस्में होती हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ करिकुलम, बट इन योर सिलेबस ये नंबर वन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो आपके सिलेबस में है. हम अक्सर देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. नंबर टू इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, एंड नंबर थ्री एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. तो प्यारे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट करिकुलम है, जो फर्स्ट टाइप है वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को हम किस तरीके से टेकअप करेंगे, पहले हमने ये बताना है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है. जब कोई सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है और उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जब वो मटीरियल होता है तो बच्चा उसी को पढ़ता है, उसी को एक किस्म का रट्टा लगाता है, जिसको हम कहते हैं रोट मेमोरी करता है, तो वो जो है एक सब्जेक्ट सेंटर्ड है. इसमें एक टीचर और एक बच्चा, जो टीचर ने बताया
तो बच्चा उसको दर्जा कर रहा है। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ मैंने आपको हिंट दे रहा हूं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड को टेकअप करो, इसका मीनिंग लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद जो इसमें ज्यादा मतलब जरूरी है वो क्या है, मेरिट्स, कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे जिनको हम कहेंगे, मेरिट क्या होते हैं किसी चीज के, क्या फायदे, क्या आपको बेनिफिट है। तो नंबर वन क्या है जो मेरे हिसाब से बनता है, ऐसे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, 8-10 लिख सकते हो, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइंड स्कोप, कि इसका जो स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो डिफाइंड है। बच्चे को पता है कि मैंने ये पढ़ना है, इतना ही मेरा एरिया है, इससे आगे मुझे नहीं जाना है, तो वो उसको जिस मर्जी तरीके से उसको याद करेगा, लर्न करेगा, और मटेरियल उसके पास होगा, टेक्स्ट बुक उसके पास होगी, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड स्कोप। इसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नंबर टू, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कि इसमें ज्यादा हम कहेंगे कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ज्यादा रोल अदा करती हैं, टेक्स्ट बुक जो होगी वही बच्चा पढ़ेगा और उसको अपने नॉलेज को एक्विजिशन करेगा अपने नॉलेज की। तो प्यारे बच्चों, नंबर थ्री इज प्रिवेंट्स वेस्टेज, तो इसमें बच्चे का टाइम जो है वो कम वेस्ट होता है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, तो वो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लगा रहता है और पढ़ता रहता है। तो उसके बाद हम कुछ इसके डीमेरिट्स बताएंगे। तो डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज भी हम इनको कह सकते हैं और लिमिटेशन भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरिट्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस भी हम इनको कहते हैं या लिमिटेशन कहते हैं, कि क्या इसकी हानियां हैं, क्या नुकसान हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम अगर कोई इंक्लूड करता है अपने करिकुलम के अंदर, तो उससे क्या नुकसान होते हैं। नंबर वन, लिमिटेड स्कोप है इसका, बच्चे के लिए बड़ा लिमिटेड, वो उसको पता है मैंने इतना ही पढ़ना है बस, वो आगे पीछे की कोई लर्निंग नहीं करेगा और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन नहीं करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे लिमिटेड स्कोप। नंबर टू, रोट मेमोरी, बच्चे को पता है कि इसको याद करना है, कोई भी मेथड लगेगा, अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती है, तो बच्चा क्या करता है, रोट मेमोरी पर जाता, गोटा जिसको हम कहते हैं। और हम देखते हैं आमतौर पर 60% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोट मेमोरी करते हैं, मतलब कि गोटा लगाते हैं, कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। नंबर थ्री, रीजन एंड स्टैटिक, रीजन क्या होता है, इसमें एक पता पक्का है कि ये इससे बाहर हमको नहीं जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, रिजर्व है, सख्ती है। तो उसके बाद स्टैटिक का मतलब हो गया कि इसका हिसाब किताब देना है, जो आपने पढ़ा तो जब एग्जामिनेशन होता है उसमें बच्चा जो लिखेगा उसी के उसको मार्क्स मिलेगा, उसी से उसको वैल्यूएट किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है तो ये इतना बेनिफिशियल नहीं है आज के जमाने में, तो इसके साथ ही कल हम टेकअप करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं टेकअप करूंगा तो प्यारे बच्चों इस तरीके से मैं आपको यहाँ रोज आता रहूंगा और आपने पढ़ते रहना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, स्टे एट होम एंड बी केयरफुल, थैंक यू।